नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो भर्ती घोटाला निकल कर आया है उसके विरोध में हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से पंचकुला सेक्टर 5 में प्रदर्शन किया गया है हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से। और सांसद, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, वो आज यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही विधायक वरुण चौधरी, मुलाना से विधायक हैं, वो पहुँचे हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के सभी जो सदस्य हैं, जो इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आज हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया गया है। सुबह से ही यहाँ पर HPSC और HSSC के दफ्तर के सामने प्रदर्शन हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसके बाद जब यहाँ पर प्रदर्शन किया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो हरियाणा युवा कांग्रेस ने जो आज ये धरना दिया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आज हरियाणा के करोड़ों युवाओं की जो भावना है उस भावना को इस भैरी सरकार के कान तक पहुंचाने का इनका एक प्रयास है। जिस तरीके से आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी, हरियाणा का युवा सर्वाधिक बेरोजगारी की मार हरियाणा के युवा पर पड़ रही है, उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए हरियाणा भर्ती घोटाला, जो मेरे समझ में देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला, इस तरीके से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, उसके बाद ये हाल है। परचून की दुकान में जिस तरीके से दाल, चीनी, आटे का भाव तय किया जाता है, उसी प्रकार से नौकरियों का रेट तय हो रहा है, रेट लिस्ट तय हो रही है। OMR की सीट को खाली छोड़ा जा रहा है और ये डिप्टी सेक्रेटरी जो थे, डिप्टी सेक्रेटरी कोई पद नहीं होता था, ये पद क्रिएट किया गया, ये छोटी बात नहीं है। पद यानी कि किसी ना किसी मंशा से क्रिएट होता है, पद क्रिएट करके इनको लगाया गया। और उसके बाद हम पूछना चाहते हैं कि इंक्वायरी में जो है चेयरमैन है HPSC, इनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही, सेक्रेटरी HPSC से पूछताछ क्यों नहीं हो रही, जो इन लोगों ने पद को क्रिएट किया उनका क्या इसमें क्या भूमिका है। तो ये सारी बातें हैं, आज हरियाणा का करोड़ों, हरियाणा के करोड़ों युवा, लाखों युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस सरकार की इस भर्ती घोटाले के माध्यम से जो उनके साथ छलावा हुआ है, और उसकी लड़ाई युवा कांग्रेस ने आज एक धरना दिया है। तो मेरा पूरा समर्थन इस धरने के साथ है और इसके लिए जो हम संसद के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे, पार्टी स्तर पर भी हम लोग जिस प्रकार से जो है कार्यक्रम पार्टी का भी आया है, तो हम लोग हर प्रकार से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ऐसा मानना है ये शुरुआत है, एक अल्टीमेटम भी दिया आपने 15 दिन का, उसके बाद एक खुश ये आज जो युवा कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे जो प्रभारी हैं शिवी चौहान जी और दिव्यांशु जी, इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है यूथ कांग्रेस ने कि 15 दिन तक सारे दोषी इसमें पकड़े जाएं, इस स्कैम में कौन कौन दोषी है, और सिटिंग जज से इंक्वायरी या CBI से जो इंक्वायरी सिटिंग जज के निगरानी में CBI से इंक्वायरी, क्योंकि CBI भी आज के दिन बिना सिटिंग जज के निगरानी के इंक्वायरी का कोई उतना विश्वसनीय हम नहीं मानते। तो जब तक ये इंक्वायरी ऑर्डर नहीं होती और दोषियों के नाम सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आते, सरकार युवाओं से माफ़ी नहीं मांगती इन 15 दिन में, तो इसमें आगे एक युवा आक्रोश रैली, एक युवा आक्रोश सभा की जाएगी। सोनीपत ज़िले की इकाई ने उस जो है आज उसको वॉलंटियर किया है, तो सोनीपत के अंदर ये जो यूथ कांग्रेस ने जो आगे अपना कार्यक्रम रखा है, तो यूथ कांग्रेस की बात हो, पार्टी की बात हो, विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे संसद में बात उठाने की बात, ये मुद्दा जब तक अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, जब तक सरकार की जवाबदेही तय नहीं होती, जैसे किसान आंदोलन था, तो जब तक ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता हम लड़ाई लड़ेंगे।